हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे हैज एग्रीकल्चर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी उपयोगी परीक्षाओं जैसे यूपी के टेट, बीएचयू, आईसीआर, जेट एंड आदि एग्रीकल्चर उपयोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी के। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सैफ फंजाई कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सैफ फंजाई कहलाते हैं? ए है फाइकोमाइसिटिज, बी है एस्कोमाइसिटिज, सी है बेसिडोमाइसिटिज, डी है ड्यूटेरोमाइसिटिज। तो 21 का निम्नलिखित में से कौन से सैफ फंजाई है, सैक फंजाई कहलाते हैं? ए फाइकोमाइसिटिज, बी एस्कोमाइसिटिज, सी बेसिडियोमाइसिटिज और डी ड्यूटेरोमाइसिटिज। तो 21 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फाइकोमाइसिटिज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मटर की चूड़िल आशिता अवरोधी प्रजाति है। मटर की चूड़िल आशिता अवरोधी प्रजाति है ए पाउडरी मिल्ड्यू, रजिस्टल वैरायटी। मटर की चूड़िल आस्था अवरोधी प्रजाति है ब्रैकेट में पाउडर मिली रजिस्टेंट वैरायटी ए BL1, बी TA-163, सी रचना डी P3। तो 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, रचना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फसल है, बीमारी दिया है, एक आलू झुलसा, बी ज्वार कंदुआ, सी गेहूँ अरगट, डी तिल फाइलोडी। तो 73 में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, 73 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, गेहूं अर्गट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, भिंडी का पीली सीरा मोज़ेक येलो वेन मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? भिंडी का पीली सीरा मोज़ेक येलो वेन मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? ए हवा, बी बीटल किट, सी एफिड किट और डी सफ़ेद मक्खी। तो 24 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सफ़ेद मक्खी। क्वेश्चन नंबर 74 पुनः फिर सुन ले, भिंडी का पीली सीरा मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? तो सफ़ेद मक्खी फैलाती है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्तमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किस वर्ष में स्थापित की गई? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्तमान स्थापित कृषि अनुसंधान परिषद ICAR किस वर्ष में स्थापित की गई? ए 1928, बी 1932, सी 1904, डी 1866। तो 75 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई थी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है ए देखकर सीखना तथा करने में विश्वास करना, बी देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना, सी केवल गरीबों के लिए शिक्षा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना, 76 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इंडियन विलेज सर्वे प्रोग्राम प्रारंभ किया गया,
इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। ये भारत सरकार 1947 द्वारा, बी विनोबा भावे 1947 द्वारा और सी WH काइजर द्वारा और डी इंफेसा द्वारा और स्पेंसर हैच द्वारा, डी ऑप्शन है स्पेंसर हैच द्वारा। तो फिर से देखें, इंडियन विलेज सर्वे प्रोग्राम स्टार्टेड, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, ए है भारत सरकार द्वारा 1947 में, बी है विनोबा भावे 1947 द्वारा, सी है WH वाइजर 1947 द्वारा, डी है स्पेंसर है 1948 द्वारा। तो 77 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड NESB का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड NESB का शुभारंभ हुआ, ए 15 अगस्त 1953 को, बी 26 जनवरी 1953 को और सी 2 अक्टूबर 1953 को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा बोर्ड NESB का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अस्तित्व में आया, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, ए है 1957 में, बी है 1958 में, सी है 1956 में, डी है 1965 में। 79 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 1957 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया था। 79 ए है 1957 में, 79 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, NARP प्रारंभ हुई थी, NARP प्रारंभ हुई थी, ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी 4थी पंचवर्षीय योजना, डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 80 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, संप्रेषण की प्रभावशीलता इफिशियंसी ऑफ कम्युनिकेशन निर्भर करती है, संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, ए केवल विचारों की स्पष्टता, बी विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक समीक्षा, सी केवल पारस्परिक मनोदशा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, परियोजना स्थापना वर्ष, ए है इटावा अग्रामी योजना 1950, बी समुदायिक विकास प्रखंड 1952, सी राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रखंड 1953, डी जनजात विकास खंड 1957। तो 82 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, इटावा अग्रामी योजना 1950, ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण होता है, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण होता है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, ए TNV सिस्टम द्वारा, बी IBLP द्वारा, CDP द्वारा, डी IRDP द्वारा। तो 83 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, TNV सिस्टम द्वारा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण होता है, TNV सिस्टम द्वारा। 83 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, द
तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है ए समूह संपर्क, बी विरार संपर्क, सी व्यक्तिगत संपर्क, डी समुदायिक संपर्क। सूची सेकेंड है ए प्रदर्शनी, दूसरा लेक्चरर, तीसरा प्रक्षेत्र एवं गृह भ्रमण, डी पत्रिका। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। ए का समूह संपर्क जो होगा ए लेक्चरर से है, और आपका विरार संपर्क होगा ए पत्रिका से, विरार संपर्क। और सी व्यक्तिगत संपर्क से होगा प्रक्षेत्र एवं गृह भ्रमण, जब व्यक्तिगत संपर्क आप करेंगे तो प्रक्षेत्र और गृह भ्रमण होगा, और सामुदायिक संपर्क होगा समूह संपर्क का। तो डी का सामुदायिक संपर्क होगा प्रदर्शनी का, इसे बी ऑप्शन लीजिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ग्रामीण जन अभिप्रेरित मोटिवेटेड किए जा सकते हैं, ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं ए पुरस्कार द्वारा, बी सुविधा द्वारा, सी प्रशंसा द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 85 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, कौन सा एक जनसंपर्क मास अप्रोच विधि से संबंधित है, कौन सा एक जनसंपर्क मास अप्रोच विधि से संबंधित है, ए फिल्म प्रदर्शन तथा रेडियो, बी रेडियो टीवी तथा लेक्चर, सी टेलीफोन कॉल रेडियो तथा टीवी, और डी एग्जीबिशन न्यूज़पेपर तथा मैगजीन। 86 का डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, कौन सा एक जनसंपर्क विधि से संबंधित है, वो है एग्जीबिशन न्यूज़पेपर तथा मैगनेट। 86 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, राष्ट्रीय प्रदर्शन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन उदाहरण है, राष्ट्रीय प्रदर्शन नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन उदाहरण है, ए प्रदर्शन का, बी विधि प्रदर्शन का, सी संकुल प्रदर्शन का, डी परिणाम प्रदर्शन का। 87 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, परिणाम प्रदर्शन का, राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है परिणाम प्रदर्शन का। 87 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सामान्यतः पोस्टर की विशेषताएं हैं, सामान्यतः पोस्टर की विशेषताएं हैं, ए शब्दों तथा चित्र का बराबर आकार, बी शब्दों तथा चित्र की बराबर संख्या, सी न्यूनतम शब्द तथा आकर्षक चित्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का सी ऑप्शन इज करें, सामान्यतः पोस्टर की विशेषताएं हैं, 88 का सी ऑप्शन करें, न्यूनतम शब्द तथा आकर्षक चित्र। 88 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, न्यूनतम शब्द तथा आकर्षक चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ वर्ष था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चू इंट्रेंस यूपी कैटेट आईसीआर इंट्रेंस अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ वर्ष है ए 1959, बी 1969, सी 1979 और डी 1989। तो 89 का करेक्ट आंसर सी होगा, सी इज करेक्ट, 1979 में स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, सब्जियों वेजिटेबल के लिए डिब्बाबंदी कैनिन का माध्यम है, वेजिटेबल के लिए डिब्बाबंदी कैनिन का माध्यम है, ए चीनी, शुगर, बी ब्राइन,
सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट ब्राइन। सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी सी कैनिन का माध्यम है। 90 का बी ऑप्शन के ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। NATP के घटक हैं, NATP के घटक हैं ए ICR के संगठन एवं प्रबंधन प्रणाली का विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संगठन एवं प्रबंध प्रणाली का विकास, बी कृषि पारिस्थितिकी अनुसंधान हेतु समर्थन, सी प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार, डी उपयुक्त सभी। तो 91 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। ATMA आत्मा का बृहत स्वरूप है, आत्मा का बृहत स्वरूप है ए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, बी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध संघ, से कृषि प्रौद्योगिकी मिशन एजेंसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 92 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 92 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 93। अधोलिखित कथनों पर विचार करें, कथन प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सिमेदो चौधरी चरण डिग्री का सफेद टावा से मैं आज क्वेश्चन नंबर 71 से 92 क्वेश्चन तक अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिमेदो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, आई लव यू माई डियर स्टूडेंट।